अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नॉट्स। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, देन पैरामीटर, पॉपुलेशन एंड सैम्पल। कुछ टर्म्स हैं ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स में मतलब है एज अ होल। इसकी मिसाल है दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो पॉपुलेशन है, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पॉपुलेशन है। उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जिनमें कोई करेक्टरिस्टिक कॉमन हो पॉपुलेशन कहलाएगी, जिनमें कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक कॉमन हो। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, हम पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ को देखते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद। पाकिस्तान के इन शहरों को देखते हैं, इन सब में एक करेक्टरिस्टिक जो कॉमन है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स भी कॉमन हो सकती हैं, लेकिन जो हमें नज़र आ रही है फ़िलहाल वो तो सिर्फ इस्लाम है कि चारों शहरों में मुसलमान रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हर शहर में ही मुसलमान रहते हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो इन चारों शहरों में हमें जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स नज़र आएगी वो है इस्लाम के रहने वाले लोगों का मज़हब क्या है, इस्लाम। तो ये हमारे पास है पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सैम्पल। सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट डैट इट विल रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पल कहते हैं कोई भी डेटा जो हम पॉपुलेशन में से उठाएं या पॉपुलेशन में से जो सिलेक्ट कर लें। सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जो करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की होंगी वही करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सैम्पल की भी होंगी। सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगी पॉपुलेशन में और सैम्पल में, क्योंकि सैम्पल तो हमने पॉपुलेशन का एक पार्ट है ना, वो जो हमने सिलेक्ट किया है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं सैम्पल इज़ द सिलेक्टेड पार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम ये सर्कल ले लें और अगर इस होल सर्कल की बात करें तो हम कह सकते हैं जी ये लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है। लेकिन अब ये जो दो आर्क्स मैंने लगाई हैं, अगर इनको देखा जाए, ये इतना सिलेक्टेड पार्ट जो है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इतना सैम्पल जो है सिलेक्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास सैम्पल होगा। लेकिन जो होल सर्कल है वो हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने सैम्पल को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर। द न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच वी मेजर्ड बाय पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। वो वैल्यू जो हम पॉपुलेशन डाटा से फाइंड आउट करते हैं, पॉपुलेशन डाटा को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जैसा कि वेरियंस और अगर मीन हम फाइंड आउट करें तो, और इसमें हम जो डाटा यूज़ करें वो पॉपुलेशन डाटा हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पैरामीटर होगी। पैरामीटर को हम ग्रीक लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक। एक स्टूडेंट आप लोगों ने बात याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट का नेम है, लेकिन स्टैटिस्टिक ये एक टर्म है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, द न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच वी मेजर्ड बाय सैम्पल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक। वो वैल्यू जो हम सैम्पल डाटा से फाइंड आउट करते हैं, जो हम सैम्पल डाटा को यूज़ करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, सैम्पल। वो हमारे पास स्टैटिस्टिक होती है, सॉरी, वेरियंस, मीन जब भी हम फाइंड आउट करें, और अगर हम सैम्पल डाटा की वैल्यू को इस्तेमाल करें इनको फाइंड आउट करने के लिए, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास स्टैटिस्टिक होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को इन कुछ टर्म्स की समझ आई होगी।